चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बार, राम मेरे आ जाओ। कहो भक्त में श्रेष्ठ प्रिय चित्त तो प्रसन्न है ना। आइए महाराज पधारिए। ओह बड़े सुकुमार हैं, कोमल किशोर दया के भंडार हैं। लाऊं पहले आसन लाऊं? नहीं पहले चरण धुलाऊं। ओह भूल गई, पहले कुछ खिलाऊं? नहीं चरण दबाऊं, क्या करूं? घबराओ नहीं देवी, हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तुम कोई चिंता ना करो। क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हुई, जल्दी में आपके चरण छू लिए, अब आपको फिर नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा? महाराज मेरे छू जाने से तो साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं, यदि मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। यह की भूल है सबरी, आदमी जन्म से नहीं कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। महाराज मैं नीच जाति, नीच कुबुद्धि और अज्ञान हूं, मेरे से तो दूर रहने में ही भलाई है। ऐसा ना कहो सबरी। धन्य भगवान, धन्य है आपने सारा ब्रह्म मिटा दिया, ज्ञान का महास्रोत बहा दिया। यदि कुछ खाने को रखा हो तो जल्दी लेके आओ, बड़ी भूख लगी है। ओह भाग्य,
क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? नहीं महाराज, इससे तो आप अवश्य ही अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं नहीं, संकोचना करो और जो कुछ भी है वो जल्दी लेकर आओ। महाराज, मैंने तो भारी के बेड तोड़ रखे हैं। हाँ हाँ, लाओ। ठीक है महाराज, अभी लाती हूँ। जल्दी लाओ सबरी। लीजिए भगवान, खाइए। आहा, यह तो बहुत ही मीठा है। लीजिए भगवान, और खाइए, इसमें कुछ और ही स्वाद है। देखिए देखिए, महलों के भोजन जिन्हें बातें ना थे सद्भाव से, आज वही खा रहे झूठे बेर छाप के। लखन, तुमने खाया ना बेर? देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से लेकर आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। कुछ अच्छे तो ना लगे होंगे भगवान? प्रेम बहुत अच्छे लगे। प्रेम के भूखे को क्या अच्छे बुरे का ज्ञान है। प्रेम से गुल्लर मिले तो वह भी मीठे पकवान है। कैसे लग रहे हैं भगवान? बहुत अच्छे लग रहे हैं सबरी। अगर और हो तो और लेके आओ। ये लिए महाराज, इसमें कुछ और ही स्वाद है। ये तो और भी अच्छा है, इसमें खट्टा मीठा दोनों ही हैं। हे भैया जी, ये अब यहाँ पे ये बहुत मीठा है। हे भैया जी, अब यहाँ पे बेरी खाते रहोगे या आगे चल के माता का पता भी लगाओगे? ठीक कहते हो लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब आज्ञा दो। भगवान, आपको किस ओर जाना है? देवी, लंका का राजा रावण हमारी सीता को हर कर ले गया और हमें महान दुख दे गया। उसी का पता लगाना है। अच्छा महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है, वहाँ का राजा सुग्रीव है, आप उन्हीं से जाके मिलिए, वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। ठीक है भगवान। हे भगवान, मातंग ऋषि के कहने पे ही मैं आपकी प्रतिज्ञा कर ली थी, अब मुझे जाने दीजिए। तथास्तु, जाओ तुम देवलोक को चले जाओ।